students, today I will explain you about the lesson 12, that is forest and forest people, यानी जंगलों के बारे में और वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में. जो forest word है बेटा, that is derived from the Latin word forest, और forest का मतलब होता है out of doors. As you all know that forest are a natural important resources. ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और हमें बहुत वैरायटी ऑफ यूजफुल प्लांट्स हैं. यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट 1/5 ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट. आपको बहुत अचंभित होगा कि हमारे देश का 1/5 ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है, जिनमें ट्रीज आर द मेन फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें आपने पढ़ा है हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ठीक है. तो ये सारे फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इन एडिशनल टू प्लांट्स, यानी ट्रीज के अलावा भी एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट. जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है टिम्बर की एंड वुड की. टिम्बर लकड़ी की और वुड की डिमांड जो हो रही है वो हमारी बढ़ रही है, और इसके कारण जो है फॉरेस्ट धीरे धीरे जो हैं कम होते जा रहे हैं. देखिए, फॉरेस्ट जो हैं हमारे वेरी इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द एनवायरमेंट इकोसिस्टम. हमारे इस पर्यावरण में जो फॉरेस्ट हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं, जिसमें द ट्रीज हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना है, एनिमल्स लाइफ है. ये सब क्या करते हैं, ये एक मेंटेन बैलेंस मेंटेन बनाकर रखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, बैलेंस को मेंटेन रखते हैं. अगर इसी तरीके से हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते रहें, हम जंगलों को डिस्ट्रॉय करते रहे, तो एक दिन रिजल्ट ऐसा आएगा कि ये जो इकोसिस्टम है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, ये सारा इम्बैलेंस हो जाएगा और बहुत सारे जो स्पीसीज हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं इस संसार में, ये लुप्त हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे गायब हो जाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस होम टू वेरियस ट्राइब्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. फॉरेस्ट जो है घर है बहुत सारे आदिवासियों का, ट्राइब्स जो आदिवासी हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं. अगेन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वाटर साइकिल. फॉरेस्ट आपने देखा होगा, जहाँ हरियाली ज़्यादा होती है बारिश वहीं पर होती है ना. तो ये क्या करते हैं, बारिश इंक्रीज इन द रेनफॉल, रेनफॉल को इंक्रीज भी करते हैं. रूट्स ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन. जो वेजिटेशन है, जो रूट्स, ट्रीज के रूट्स है, ये मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, जिससे हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर ना चली जाए. हवा से, पानी से मिट्टियाँ बह जाती हैं, ठीक है. तो ऊपर वाली जब मिट्टी बह जाएगी तो भूमि जो है, हमारी जो धरती है, वो बंजर हो जाएगी, हम कोई प्लांट्स भी उस पर ग्रो नहीं कर सकेंगे. तो जितने ज़्यादा आपके फॉरेस्ट या पेड़ पौधे रहेंगे, उतनी ही मिट्टी आपकी सुरक्षित रहेगी. फॉरेस्ट प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर, केन, बैम्बू, रेसिन एक्सेट्रा. तो फॉरेस्ट हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देते हैं हमें, टिम्बर लकड़ी देते हैं, बैम्बूज देते हैं, बांस देते हैं, रेसिन देते हैं, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ बाय क्लीनिंग द एयर वी ब्रीथ. जो फॉरेस्ट जो हैं एक प्रकार के लंग्स हैं, इस हवा को क्लीन करते हैं, जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर हमारे लंग्स, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं, क्लीन कर रखते हैं, उसी तरह से फॉरेस्ट भी जो है लंग्स माने जाते हैं. फॉरेस्ट गिव ऑक्सीजन बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड. फॉरेस्ट जो हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके,
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पेड़ पौधों को खाना बनाने के काम में आती है ना। एंड लास्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड द ग्रास एंड फॉडर फॉर एनिमल्स। फॉरेस्ट जो है ग्रास फॉडर ये एनिमल्स के लिए प्रोवाइड करती है। हमारे देश की जो स्मॉल पॉपुलेशन है वो भी फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं, जिनको हम ट्राइबल्स बोलते हैं, दैट इज़ आदिवासी बोलते हैं। डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया हैव डिफरेंट ट्राइब्स। डिफरेंट हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट ट्राइब्स रहते हैं। दीज ट्राइब्स आर कॉल्ड गोंड्स, भील्स, संथाल्स, ठीक है। दे आर मेनली कंसनट्रेटेड इन द हैवीली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। ये जो ट्राइब्स हैं ये ज़्यादातर घने जंगलों में रहते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश एंड मणिपुर के। ट्राइबल्स जो हैं वो एक्सीलेंट क्राफ्टमैन होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं फॉरेस्ट से ही लेकर, जंगलों से लेकर ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बास्केट है, मैट्स, रोप्स, लीफ प्लेट्स यानी पत्तल, और भी ये लोग बनाते हैं जैसे अर्थन पॉट्स, ठीक है, मिट्टी के पॉट्स बनाते हैं। और ये कहाँ बेचते हैं, ये ट्रेडर्स को बेचते हैं लोकल मार्केट के अंदर पैसों के लिए। ट्रेडर्स सेल दीज आर्टिकल्स, और ट्रेडर्स जो है इन आर्टिकल्स को ज़्यादा दामों में, ज़्यादा प्राइस में जो है मार्केट में बेचते हैं। ट्राइबल्स जो हैं दे आर द वाइज कम्युनिटी। ट्राइबल्स उस नेचर से इतना ही लेते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है ना। वो नेचर को हार्म नहीं पहुंचाते, बल्कि उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने सैक्रेड कुछ एरियाज़ को सैक्रेड मान लिया है, जहाँ पीपल है, नीम के जो पेड़ होते हैं, बरगद का पेड़ होता है, इनको सैक्रेड माना गया है, इनकी वो पूजा करते हैं ताकि इनको हम काट ना सकें, है ना। तो ये जो है फॉरेस्ट जो ट्राइबल पीपल्स हैं, ये फेस्टिवल्स, ये वर्शिप करते हैं इन चीज़ों की। जिस तरह से एक आंवला नोमी मनाई जाती है, हमने देखा कि आंवले का पेड़ जो है बहुत उपयोगी होता है हमारे लिए, तो उसके लिए एक पूजा होती है जिसमें आंवला नोमी मनाई जाती है। तुलसी जो है ये भी हमारे लिए बहुत होली या सेक्रेड है, जिसकी हम पूजा करते हैं। बड़, पीपल, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों की ये लोग पूजा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टाइम्स होता जा रहा है बेटा, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दिस रिज़ल्ट इन ग्रेजुअल लॉस ऑफ ग्रेट कल्चर। इनसे इनका जो कल्चर है, इनका ट्रेडिशन है, ये आर्ट्स है, ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि अगर हम जंगल काट देंगे तो ये ट्राइबल पीपल्स कहाँ जाएंगे, तो ये अपने शहरों की तरफ, इनको रोज़ी रोटी कमाने के लिए शहरों की तरफ आना पड़ेगा। तो इनका जितना भी कल्चर है, ट्रेडिशन है, आर्ट है, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जिसमें डिफॉरेस्टेशन जो है ये इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ट्राइबल्स जो हैं फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, और फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से जो है हमें फॉरेस्ट को बचाना है। एक्सेसिव फॉलिंग ऑफ ट्रीज फॉर कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगलों को काटना अपने फ़ायदे के लिए, दिस इज़ कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन जो है डिस्ट्रॉय करता है वेरियस हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, वेजिटेशंस, एंड रिड्यूस लंग फंक्शन एंड रिड्यूस बेनिफिट टू सॉइल बिसाइड एडवर्सली अफेक्टिंग रेनफॉल। अब आप सबको पता है कि अगर पेड़ पौधे इसी तरह से कटते रहे तो क्या क्या नुकसान होगा, है ना। तो इसीलिए हमें अगर काटने भी होते हैं तो हमें उसकी जगह दूसरे पेड़ पौधे लगा देने चाहिए, न्यू प्लांट्स किसी दूसरे एरिया में जाके प्लांट्स बो देने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो है वो बैलेंस बन जाएगा। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द डेलिकेट एनवायरमेंटल बैलेंस। फॉरेस्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें, इसको कंजर्व करके रखें। फॉरेस्ट नाउडेज आर कंटिन्यूसली मॉडरेटेड बाय सैटेलाइट्स एंड इंश्योर दीज नॉट टू डिस्ट्रॉय बाय इलीगल डिफॉरेस्टेशन
एंड देयर इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। अब जो है आपने देखा ना, फॉरेस्ट पीपल होते हैं, ठीक है, वन विभाग वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो इलीगल हैपनिंग्स होती है इनके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और किसी को भी जंगलों को काटने नहीं देते, बल्कि जंगल नहीं उसमें जो एनिमल्स रहते हैं उनका भी वो शिकार नहीं करने देते। देन इस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट से ही आपको पता चल गया होगा कि चिपकना है ना। तो चिपको मूवमेंट एक बहुत मतलब पॉपुलर मूवमेंट था बाय मूवमेंट ऑफ पीपल हगिंग ट्रीज दस नॉट अलाउविंग देम टू कट। उन्होंने ये अभियान चलाया था चिपको मूवमेंट और इन्होंने ट्रीज़ को काटने नहीं दिया था। ये मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने इन तहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में स्टार्ट किया था, कि जहाँ पर पेड़ों एक कॉन्ट्रैक्टर जो है पेड़ों को काटने के लिए आया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, वहाँ के जो गांव के लोग थे वो सारे पेड़ों के चिपक गए थे, मतलब उनको हक कर लिया था पेड़ों को बचाने के लिए कि हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे। और बहुत फोर्सफुली पुलिस भी आई थी, फायरिंग भी हुई थी, लेकिन फिर भी गांव के लोगों ने पेड़ों को, कम से कम हज़ारों पेड़ों को कटने से बचा लिया था। ओके, तो इस तरीके से जो है चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और ये मूवमेंट जो है पूरे देश में स्प्रेड आउट हो गया था, जिसका नाम रखा था चिपको मूवमेंट। एज द विलेजर हग द ट्रीज इट प्रिवेंटेड ट्रीज कटर टू कट द ट्रीज। क्योंकि जैसे ही लोगों ने पेड़ों को हक कर लिया तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको काटने नहीं पड़े, है ना, वो मजबूर हो गए कि वो काट नहीं सकते थे, क्योंकि इंसानों को तो वो काट नहीं सकते, इसीलिए जो है बहुत सारे ट्रीज जो है वो सेव हो गए। ओके बेटा, अब समझ में आया आपको ये चैप्टर। आगे का चैप्टर का हम वीडियो